पिछले वर्षों के शासन काल में एक नई न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई। वो थी बुलडोजर व्यवस्था। प्रजातंत्र में बुलडोजर सुनकर अचंभा हुआ, बिल्कुल अविश्वसनीय। पहले इतिहास में बुलडोजर का प्रयोग बिल्डर्स के द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता था, लेकिन सभ्य प्रजातंत्र में इसका उपयोग इमारतें गिराने में होने लगा। ऐसा न्यायपालिका के आदेश के बाद ही किया जाता था, परंतु आज बुलडोजर बाबा व बुलडोजर मामा ने इसका उपयोग माफिया अपराधियों के विरुद्ध करना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में एक ऐसी रोड का इस्तेमाल है जहां न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है। राष्ट्रवाद, साम्यवाद और समाजवाद तो सुना था, लेकिन अब एक और नए वाद बुलडोजर वाद का उदय हुआ है। इस वाद ने समाज में खलबली मचा दी है। बुलडोजर का उपयोग न केवल समाज दोषी, भूमाफियाओं, रेपिस्ट, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बखूबी किया जा रहा है, इसका उपयोग राजनीतिक द्वेष एवं निजी मंसूबों को अंजाम देने में भी किया गया बताया जा रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी आम जनता खुश दिखती है। बुलडोजर कार्यवाही पर सरकारों को जनता का मूक समर्थन है। भले ही ये प्रजातंत्र का मजाक है, लेकिन आम जनता बुलडोजर कार्यवाही समय की मांग मानती है। सभी दुर्दांत माफिया मुस्लिम है, इसलिए इसे मुस्लिमों के विरुद्ध अभियान कहा जा रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मुझे नहीं मालूम बुलडोजर कार्यवाही संविधान व कानून संगत है या नहीं। एक नागरिक के तौर पर इसे एक सामयिक कार्यवाही कहा जा सकता है, लेकिन कुछ प्रश्न है। न्यायालयों की अनदेखी कर प्रजातंत्र की दिशा किस ओर मोड़ी जा रही है? अपनी ही सत्ता में बैठे ऐसे अपराधियों को क्यों बख्शा गया? विरोधियों के विरुद्ध ही कार्यवाही से क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या सत्ताधारियों ने सोचा है जब वे सत्ता में नहीं होंगे तो यही बुलडोजर चाचा उन पर भी चलेंगे? वार प्रतिवार के इस खेल में प्रजातंत्र फंस गया लगता है। हो सकता है 2024 में नए संसद भवन में प्रजातंत्र मूक दर्शक बन राजशाही का स्वागत करें।